Hey, good morning everyone. Welcome back to the new video. Sorry यार, सांस फूल रहा है क्योंकि पहाड़ों पे हूँ, ऊंचाई पे हूँ बहुत ज़्यादा, और इस बार मैं आया हुआ हूँ यार चितकुल घूमने के लिए. और ऐसा कुछ नज़ारा है यार, देखो अभी हम लोग हॉस्टल में रुके हुए हैं. इधर ये अपनी प्रॉपर्टी है और अपन लोग अभी चितकुल घूमने वाले हैं यार, और काजा, स्पीति, हिक्किम सब कुछ करके जाएंगे. इस सर्किट का कुछ छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं. और वीडियो पे यार लाइक चाहिए मुझे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट करो अच्छे अच्छे, और मुझे बताना कुछ लोकल यहाँ के बारे में जो मुझे नहीं पता है. नज़ारे कुछ ऐसे हैं यार, मौसम ज़बरदस्त हो रखा है कि दिल्ली की गर्मी से थोड़ी कम गर्मी है, ऐसा ज़बरदस्त हो रखा है. अदरवाइज तो है जैसा है. ठंडी हवा चल रही है. दिल्ली से हम लोग कल निकले थे अराउंड 10:30, आते आते बज गया हमें आज एक. साथ में निशांत आया मेरे. हाय. ये मेरा स्कूल मेट है बचपन का यार, चड्डी बड्डी यू कैन से. एंड बहुत दिन बाद हम लोग साथ में ट्रिप पे निकले निशांत और मैं. हॉस्टल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं यार, बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर. मतलब मज़ा आता है वहाँ पे यार रहने में, बिकॉज होमली फीलिंग देती है. अच्छा, हॉस्टल होम्स अलग होते हैं और हॉस्टल रूम्स अलग होते हैं, तो होम्स पे आप रुकेंगे ना तो आप इन्जॉय करेंगे. और देखिए क्या नज़ारे थे यहाँ के यार, पीछे पर्वत दिख रहे हैं बड़ी एकदम बर्फ़ से ढके हुए, बादल देखो कितने घमासान बने हुए हैं यार, कि बहुत तेज़ बारिश पड़ेगी, जो कि वहाँ पड़ी नहीं थी. और बाकी हम लोग मज़े तो ले रहे थे यार, ऐसे मज़े यार सबको लेने चाहिए जीवन में ना, यही जीवन के मज़े हैं. जिसने ये मज़े नहीं लिए ना उसने कुछ नहीं किया जीवन में यार. गाड़ी सड़ गई थी हमारी जाते जाते, दोनों भाई परेशान थे, गाड़ी कौन धोए कौन धोए. पर गाड़ी धोनी किसको थी यार, गाड़ी अच्छी ही गंदी लगती है हमें तो. जिसको आना है ना आ जाओ, मस्त मौसम है ये आने का, ठीक है आ जाओ. और बाकी हम इन्जॉय कर रहे हैं, तुम भी इन्जॉय करो हमारे साथ. शर्मा जी लो पकड़ो, बनाओ मेरी वीडियो, मैं ड्रोन निकालता हूँ. भाई अभी हम लोग निकले हुए हैं चितकुल जाने के लिए निशांत और मैं, और जहाँ पे हम रुके हुए थे ना रास्ते इतने नैरो हैं और इतने बिल्कुल पतली पतली गलियां हैं ना यार हॉस्टल की जो रक्षम में है, कि वाट लग जाए बड़ी गाड़ी की. तो यार देखो दिखाता हूँ आपको कैसे रास्ते हैं. देखो यार क्या नैरो नैरो रास्ते हैं एकदम ना, गाड़ी निकालना भी एक चैलेंज है अपने आप में यहाँ पर, क्यों पत्थर पड़े हुए हैं जगह जगह पे यार. भाई जिन लोगों को गाड़ी से बहुत प्यार है ना और बट कॉन्फिडेंस नहीं है चलाने का गाड़ी पहाड़ों में, वो भी ऐसी जगहों पे, वो अपनी गाड़ी यहाँ लेके ना ना पहले ही पार्क कर देना, या इनसे पूछ लेना कि भैया व्यवस्था कैसी है. कहीं ये ना हो कि आप गाड़ी लेकर आए और आपकी गाड़ी की मैया लग जाए, है ना. तो भैया डोंट टेक द रिस्क, कुछ फ़ायदा नहीं है. शर्मा जी बोल रहे रुक जाओ, मुझे एक फ़ोटो बनानी है, बढ़िया सी वीडियो बनानी है. शर्मा जी बढ़िया सी वीडियो ले रहे होंगे हमारी, वहाँ से एक फ़ोटो ले रहे हैं जगास. और भाई अंदर बैठा हुआ है, व्लॉगिंग चालू है अपनी फुल ऑन, आप लोगों का प्यार चाहिए बस. बाकी चलो चितकुल घुमाते हैं भी आपको, अब चल रहे हैं आगे, है ना. तो भाई देख लो चितकुल जो लोग आ रहे हैं रास्ते ऐसे हैं, अगर गाड़ी ला रहे हो तो मेक श्योर कि आप लेके आ रहे हैं कोई SUV टाइप गाड़ी, चाहे वो टाटा पंच भी चलेगी, परंतु i20 मत लेके आ जाना. और सेडान तो गलती से लेके आई मत जाना, अगर गाड़ी से प्यार है थोड़ा बहुत बिल्कुल भी मत लाना सेडान गाड़ी. तो आप वो सामने दिख रहे हैं आपको, वो कैलाश पर्वत है बिल्कुल सामने, दिखाएंगे वो भी आपको. पहले चितकुल घुमा लेते हैं आपको, उसके बाद दिखाते हैं आपको
तो भाइयों और मेरे भाइयों की बहनों, समझी ठीक कह रहा हूँ ना? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास भाई, है ना? मेरे भाइयों की बहन तो हो गई। हाँ, सारे भाइयों की बहनें हो गई, है ना? हाँ। मैं उन भाइयों में नहीं हूँ। लेकिन आप उन भाइयों में नहीं हो? ना, 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 चलो ठीक है ठीक है, अखंड सिंगल हूँ मैं। तो भाई, भाई ने खुद को सेफ कर लिया है, आप अपने आप को देख लेना। तो यार, मैं और शर्मा जी ऐसे ही बकचोदी करते करते अपने टाइम पास भी कर रहे थे और नज़ारों के मजे ले रहे थे। यार इतनी सुंदर वादियाँ, इतना बढ़िया आपका दोस्त हो, फुल ऑन मस्ती, अपने जोक्स चलते रहते हैं यार, और क्या चाहिए यार। सुहाना सफ़र, मौसम, हंसी और ये ख़तरनाक पहाड़ यार, बीच बीच में ऐसे आ जाते थे कि थोड़ी जान ना हलक से ही आ जाती थी यार। पर तब ये देखते थे ना फिर से ग्रीनरी इतनी बढ़िया, तो मन यार खुश हो जाता था कि यार सह लेंगे। रास्ते थोड़े से कच्चे थे हाँ चितकुल पहुँचने तक, पर ठीक है यार, तब आपको नज़ारे भी इंजॉय करने हैं तो यार थोड़ा बहुत तो आपको फिर देखना पड़ेगा ना, इतने सुंदर नज़ारे हैं। तो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं तो इनको तो यार सब सह लेते हैं, और जो घुमक्कड़ लोग हैं ना वो इस बात को समझेंगे यार। समझोगे ना यार? प्लीज़ बोल दो हाँ कि आप समझोगे। बाकी चितकुल जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वैली इतनी सुंदर है, बार बार आपको दिखा भी रहा हूँ, देखिए आप देखते रहिए, उसको इंजॉय कर रहे हैं। मतलब नज़रें हट नहीं रही थी यार कि गाड़ी चलाऊँ या इधर देखूँ, गाड़ी चलाऊँ या आगे देखूँ या पीछे देखूँ। बस ये था कि यार इस नज़ारे को ना आँखों में भर लो, कहीं से इसको उतार लो अंदर, कि मतलब मन की संतुष्टि हो ही नहीं रही थी यार। बट आप रास्ते देखो यार कितने डेंजरस हैं, और ये जो पीछे देख रहे हो ना आप, खाई बहुत गहरी है नीचे, तो तब भी इधर जाएं और ड्राइव करें तो संभल के ड्राइव करना यार, और नज़ारों को इन्जॉय करना, गंदगी मत फैलाना देखो यार, है ना? चलो देखो आप नज़ारे, देखो यार इन्जॉय करो। एंड यार फाइनली वी आर हियर एट चितकुल। अब बार बार लगता होगा कि मैं बोल रहा हूँ बार बार हम आ गए, मतलब अब यार बोर्ड आ गया ना। देखो चितकुल, द लास्ट यूनियन विलेज चितकुल। शर्मा जी बनाते हुए वीडियो, तो भाई आपका ये रहा, ये वैली यार सही में बहुत सुंदर है। तब आप यहाँ पहुँचते हो ना, वो भी इस मौसम में, जबकि यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, गजब। तो यार आपका मन नहीं करता है नज़रें हटाने का, बस ये रहता है कि ये भी देख लो, वो भी देख लो, यहाँ से भी देख लो, वहाँ से भी देख लो, और फोटो खिंचा लो बहुत सारे। देखो तो यार चितकुल घूम लिया है, जो लास्ट ढाबा है उस पर भी गए थे हम लोग, वहाँ की फ़ोटो है वो डाल दूंगा, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यार अपना खुद का एंजॉय करने में हमें इतना मज़ा आ रहा था कि वी फॉरगॉट टू मेक द वीडियो। और ये चितकुल ही है मेरे पीछे, ये देखो शर्मा जी कैसे पोज दे रहे हैं, शाहरुख खान वाले ढूंढ रहे हैं किसी को, कोई लड़की अगर है भाई रिश्ते के लिए तैयार बंदा हमारा, कुछ चाहिए नहीं हमें, शादी होगी मात्र एक रुपये की, राइट शर्मा जी? लड़की अच्छी होनी चाहिए बस, पारिवारिक, ओके? कोई है तो प्लीज़ डू कमेंट। और यार रास्ते मेरा आपको दिखाई दिए बहुत ज़्यादा, तब मैं आ रहा था इधर को, रास्ते आपने देख लिए कैसे हैं, इधर आओ तो प्लीज़ आराम से गाड़ी लेकर आओ, भगाना मत, और मेक श्योर कि आप 4x4 या SUV टाइप कुछ गाड़ी लेके आ रहे हो ताकि आप इजीली आ सको। सेडान भी आ जाएगी बट आपको थोड़ी दिक्कत देगी यार वो, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और चितकुल यार बहुत अच्छा है, आपको बता दो चितकुल के बारे में, चितकुल जो है अपना लास्ट इंडियन विलेज है टूवर्ड्स चाइना, इसके आगे अपना बॉर्डर आ जाता है, यहाँ पे हमें एंट्री नहीं है, ना ही वीडियो बना सकते हैं अपना कुछ, और ड्रोन शॉट्स भी अलाउ नहीं है यहाँ पे लेना, हमने कोशिश की थी बट हमें रोक दिया गया। और चितकुल में आकर के पता नहीं यार मेरे को एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी कॉल इट लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, व्हाई कांट वी कॉल इट फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया फ्रॉम चाइना साइड, पॉसिबल है ना ऐसा भी? तो प्लीज़ बताना अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, ठीक है? और अब वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल, वहाँ पे स्टे करेंगे और वहीं आपको मिलते हैं, और थोड़ा बहुत आपको मैं दिखाता हूँ रास्ते का नज़ारा जैसा भी है, जैसा कि आप देख चुके हैं ऑलरेडी वैसे तो, बट चलो लेट्स गो टू होटल नाउ। हाँ जी, तो शर्मा जी ने और मैंने थोड़ी देर रुक के और अच्छे नज़ारों के मज़े लिए, कुछ फ़ोटोज़ खींचे, और फिर हम थोड़ी देर रुक करके यहाँ से चल दिए अपने आगे हॉस्टल की तरफ।
यार देखो रास्ते ऐसे हैं, दोबारा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ मैं वीडियोस में आपको, और ये बहुत चौड़े रास्ते हैं जो आपको दिख रहे हैं, इतने चौड़े हैं कि यहाँ से 3 ट्रक इकट्ठे निकल रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो भाई आ रहे हो तो देख के आना, क्योंकि कई गाड़ी वाले ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है पहाड़ों में चलाने का और बस अंधाधुन चला रहे हैं गाड़ियों को। यार गाइड्स प्लीज 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 गाइस गाइस प्लीज समझो बात को यार, ऐसे मत करो। शर्मा जी आप समझाओ लोगों को यार। भाई क्या समझाओ, कई लोग तो ऐसे होते हैं सर फोड़ लो अपना। जरा बताओ जो कल हुआ था, हाथ दे रहे हैं, कल कौन सा वाला बिटारा गाड़ी वाला? हाँ बिटारा वाला जो वहाँ पे रुका था, बिटारा वाला। हाँ वो बंदा तो मरता, उसे यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। हाँ वरना अगर यही काम इसमें गाजियाबाद में करा होता यूपी पुलिस के किसी भी क्षेत्र में, गाड़ी सीज थी तो शायद इसकी गाड़ी सीज हो जाती। भाई पुलिस हाथ दे रही है रुकने के लिए, बंदा रुक ही नहीं रहा है, और उन्होंने हाथ इसलिए दिया क्योंकि सामने से लैंडस्लाइड हो रही थी और गाड़ी भी आ रही थी दूसरी। अगले को चिंता ही नहीं है यूपी 14 वाले, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, हम भी यूपी 14 वाले हैं यार। तो दिल्ली एचआर था 98 था शायद से, है ना। हाँ तो भाई ऐसे मत करो यार, बदनाम मत करो दिल्ली एनसीआर के लोगों को, आपकी छोटी सी गलती ना सबके ऊपर भारी पड़ जाती है यार। आपको आप वीडियो में देख रहे हो यार, बड़े लोग भी देख रहे होंगे, आप खुद बताओ यार ऐसे में आप गाड़ी 80-90 क्यों भगाओगे गाड़ी यार? मतलब बिल्कुल कॉलेज पास आउट बच्चे या कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, ज्यादा बड़े बच्चे नहीं थे वो। हो सकता है कि पापा ने पहली बार गाड़ी दी हो। हाँ, घुमाओ बेटा, हो सकता है रास्ते में मिल भी जाए वो। हाँ, सांगला क्रॉस करने के बाद थार तो दिखी थी कहीं पर रास्ते में एक बार, सांगला क्रॉस करने के बाद शायद दिख भी जाए। ये देखो यार, ये देखो हम भी तो रुक रहे हैं ऐसे, देखो कोई सामने से आया तो जगह दे दो यार, वो भी आपको जगह देंगे, आप इनको जगह दो, ऐसे ही चलता है यार यहाँ पे पहाड़ों में। तो गाइस सेफली चलाओ गाड़ी, घूम रहे आओ, टूरिस्ट की जगह है, इनकी भी हमसे ही अर्निंग है, ये भगाएंगे नहीं यहाँ से हमें, बट इनको इज्जत तो दो यार, थोड़ा इनके कानून तो मानो यार, बहुत जरूरी है यार। तब आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप भी थोड़ा कहते हो ना कि यार थोड़ा तहजीब से घर में रहे आपके वो, तो ऐसे ही इनके यहाँ पर हम मेहमान हैं शर्मा जी। हाँ जी बिल्कुल, तो रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट लो और प्यार से चलो भाई पहाड़ों में, छोटी सी चूक से ना पता नहीं कितनी जिंदगियां कितनी फैमिलियां। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल ना करो। हाँ बहुत से लोग गलत समझ में आ जाते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, काफी कुछ भुगतना पड़ता है। आप ये सोचो ना कि एक ही गलती के चक्कर में कितनी फैमिली बर्बाद हो जाएंगी। एग्जैक्टली। सो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द व्यूज नाउ। बहुत ज्ञान दे दिया आपको मैंने, आई नो मैं चौधरी बन गया था कुछ देर के लिए, बट यू नो यार आई लव यू ऑल। चलो सबका सोचो यार, अपनी फैमिली का, जिसको टक्कर मारने वाले उसकी भी फैमिली होगी ना, ऑब्वियसली उसको भी सोचो। लो जी अब आप करो दर्शन किन्नर कैलाश के, ये देखो, ये देखो ऊपर, ये देखो, ये देखो, ये त्रिशूल दिख रहा है आपको, 3 पॉइंट दिख रहा है ना, बोलो हर हर महादेव। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी यार चितकुल में ही है, सुबह हो गई है, रात खाना खा के सो गए थे बिकॉज थके हुए थे बहुत ज़्यादा, और इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, और मिलेंगे कल दोबारा से एक नए ब्लॉग में फिर से, और अभी नेक्स्ट जर्नी कहाँ की होने वाली है आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दी चैनल।